भले कर्म का फल और बुरे कर्म का फल कौन कब और कैसे पाता है? आप खुद को भगवान का भक्त कहते हो, भले कर्म करते हो, पूजा पाठ दान करते हो, आपको यही भले कर्म लगता है। इसका फल आप कब भोगोगे? जीते जी या मरने के बाद स्वर्ग पाके। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें कर्म का फल कब मिलेगा? मरने के बाद नरक में गरम तेल में भून कर या गरम पानी में उबल कर या इसी जीवन में? आपको लगता है कि मरने के बाद आत्मा निकल जाता है और स्वर्ग जाता है और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, अप्सराएं नाच रही होती है, हर प्रकार का पकवान, अच्छे अच्छे सुगंधित फूल फल, मिष्ठान, मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे वस्त्र। क्या ये स्वर्ग है? क्या आत्मा स्वर्ग जाके भोगती है? आत्मा के पास शरीर ही नहीं होगा तो भोगेगा कैसे? ना अप्सराएं का नाच देख सकेगा, ना अच्छी पकवान खा सकेगा, ना फूल की सुगंध ले सकेगा, ना वस्त्र पहन सकेगा। या मरने के बाद ऐसे ही तृप्त रहना, आनंदमय रहना, कुछ इच्छाएं शेष ना होना, इसे स्वर्ग कहते हैं। तो इसे स्वर्ग कहते हैं, कुछ इच्छाएं नहीं है, आनंदमय है। तो कर्म कांड जो पिंडदान है, ये जरूरी क्यों है? और मरने के बाद भटकती हुई आत्मा भी रह गया तो भी ये पिंडदान क्यों जरूरी है? मरने के बाद कुछ शेष रह गया या कुछ शेष ना रहा तो भी पिंडदान या अच्छी चीजों का भोग लगाना जरूरी क्यों लगता है? आत्मा तो ना कुछ खा सकती है, ना कुछ पी सकती है। आत्मा के पास ना शरीर है, ना आँख है, ना मुंह है, ना कान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी भोग नहीं भोग सकती है, कुछ भी नहीं ले सकती है। तो पिंडदान क्यों जरूरी है? पिंड से शरीर बनता है, पिंड से कभी शरीर बनता है? दूध और चावल से शरीर बनता है क्या? कैसा बात है ये, दूध और चावल से शरीर बना के दिखा दे, भले उसमें आत्मा ना डाल पाए, शरीर तो बना के दिखा दे तब माने। आत्मा भटकती है, चलो मान लेते हैं, भूख लगता है, प्यास लगता है, इच्छाएं है, इच्छाएं हो तो उसे मन कहते हैं, वो इच्छाएं रह गया, मानो उसे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, क्या आप जो चढ़ाते हो वो उसे खा लेगा? शरीर के बिना कैसे खा सकता है? भूख लगे या प्यास लगे, सूंघ के तृप्त होता है, सूंघ के कौन तृप्त हो सकता है? क्या आपको भूख प्यास लगा तो सूंघ के तृप्त हो सकते हैं? या और ज्यादा भूख प्यास लगता है और ज्यादा खाने पीने का मन करता है, मानो उसे भूख प्यास लगता भी है तो उसे अपना ही जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि भूख प्यास ना लगे, तृप्त रहे। ऐसे जीवन जीना चाहिए कि सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, मिट जाए। मैं आपका ही बात कर रही हूँ, जो आप सोचते हो। या तो भूखे प्यासे भटकते रहे या जीते जी ही कुछ इस तरह जीवन जिए, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, भले कर्म के फल और बुरे कर्म के फल जीते जी कितना मिलता है? निस्वार्थ किसी का सहयोग करोगे तो जिस किसी का सहयोग करते हो, सहयोग के समय घमंड ना हो तो तत्काल ही मिलेगा, तत्काल ही आपके अंदर जो आनंद फूटता है वही आपका फल है। जिस किसी को सहयोग करते हो उसको आनंदित देखकर आपके भीतर जो आनंद फूटता है वही आपका तत्कालीन फल है। जब आपके पास निस्वार्थ
देने का भाव आता है तो प्रेम हो, सुविचार हो, सबका भला हो, सब खुशी आनंद से रहे, पैसा हो या अन्न हो, कुछ भी देने का भाव आपके पास है तो आप पूर्ण होते जाओगे। भले आपके पास पैसा ना हो, पर प्रेम, अच्छे विचार, सबका भलाई, सबका खुशी तो सोच सकते हो। देने का भाव से आपका मन पवित्र हो जाएगा। आप सबके लिए अच्छा विचार रखोगे, सबका भला चाहोगे तो आपका ही भला होगा, आपका हृदय विशाल होगा। आप जो भी किसी को देते हो वही आपके पास बहुत ज्यादा होके लौट के आता है। धैर्य चाहिए उसमें। आपको सुनने को तो मिलता ही है, जो दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। आप अपने भीतर जैसे होते हो वैसे ही आपके आसपास आपको लोग मिलेंगे। आप कम देके ज्यादा लेना चाहते हो किसी से तो वैसे ही वो भी आपको कम देके आपसे ज्यादा निकलवाने की सोचता है, वैसा ही इंसान आपको मिलेगा। आप जैसे सोचते हो वैसे ही आपको भी मिलेगा। आपके पास जो भी वातावरण है, जैसा भी इंसान है, वे आपका ही प्रतिफल है। मैंने ये कहा कि आप जो दोगे वही बहुत ज्यादा होकर आपके पास लौट के आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत धन है और बढ़ाने के चक्कर में ऐसी जगह दान देते हो जहां आपका मान प्रतिष्ठा बढ़े। इसे तो आपका हानि ही होगा, लाभ तो कुछ ना होगा। आपके पास धन है, आप देना चाहते हैं, तो ऐसी जगह दिए जहां जिसे बहुत ही आवश्यक हो। आपका थोड़ा धन उसका बहुत बड़ा काम बन जाए, वो आनंद हो जाए, उसे भी लगे कि सच में ईश्वर है। देते समय आपके मन में ये भाव भी ना आए कि मैं दे रहा हूँ, देने वाला मैं हूँ, और धन्यवाद लेने का ख्याल भी ना रखे, खुशी से निकल जाए। जब आप देने लगते हो, देने का ख्याल भी आपके मन से हट जाता है, मैं दे रहा हूँ ये विचार भी हट जाता है, तो आपका हृदय विशाल होगा, आप पवित्र हो जाओगे। आपका अब छोटी मोटी इच्छाएं तो रहेगा ही नहीं, मिट जाएगा। आप शांत हो जाओगे, आप सागर हो जाओगे, आप तृप्त हो जाओगे। मरने के बाद फिर भटकना भी नहीं पड़ेगा। जीते जी आनंदमय होगा जीवन, सुखद होगा जीवन। जैसे कि LIC में हो या कोई भी फंड में आप मंथली डिपॉजिट करते हो तो साल दो साल में आपको बोनस मिलता है, फिर अंत में वो पैसा ज्यादा होकर मैच्योरिटी मिलता है। वैसे ही भले कर्म का प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ता ही रहेगा और अंत में आपका जीवन सुखद होगा, शांति होगा, आनंदमय होगा, संतोष होगा, तृप्ति होगा। तो भले कर्म का फल अच्छा प्रभाव देगा आपको, ऐसे ही बुरे कर्म का प्रभाव भी आपको जीवन भर मिलता ही रहेगा, दुख, अशांति, पीड़ा ये सब, और अंत में भी दुख, पीड़ा, असंतुष्टि, अतृप्त होना, ये सब भर भर के मिल सकता है। हो सके मरने के बाद भी भटकना पड़े भूखा प्यासा होके, इसीलिए शरीर रहते ही ऐसे कर्म करे कि मरने के बाद भटकना ना पड़े, जीते जी शांति मिले। आप किस कर्म को भले और किस कर्म को बुरे कहते हैं, कर्म को जाने, अंधविश्वास में ना फंसे और कुछ भी करके समय को बर्बाद ना करें।